खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी में मैं भी चौकीदार नाम से अभियान चलाया जा रहा है। मशहूर कॉमेडियन और बीजेपी नेता राजू श्रीवास्तव भी इस अभियान के समर्थन में हैं। उन्होंने अपने ही अंदाज में मैं भी चौकीदार अभियान के बारे में बताया। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। राजू ने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और साथ ही पाकिस्तान को भिखारी देश भी करार दे दिया। मैं भी चौकीदार हूं कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अलग अलग जगहों से जो लोग मौजूद थे उनसे भी संवाद किया। उसके साथ ही में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनसे भी संवाद किया। हमारे साथ मौजूद है राजू श्रीवास्तव। राजू जी, प्रधानमंत्री ने अलग अलग सवालों का जवाब दिया, लेकिन ये भी बताया चौकीदार की जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो बताऊं, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं भी चौकीदार हूं और मोदी जी के बिल्कुल साथ हूं। और ये मैं भी चौकीदार हूं इतना सुपरहिट हो गया है, इतना लोकप्रिय हो गया है, देश का बच्चा बच्चा कह रहा है मैं भी चौकीदार हूं। कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब क्या दें। कंफ्यूजिंग में पता है वो लोग क्या कह रहे हैं, सोनिया जी के मुंह से निकल गया मैं भी जमानत पे हूँ। राहुल ने कहा मैं भी जमानत पे हूँ। वाड्रा ने कहा मैं भी जमानत पे हूँ। चिदम्बरम ने कहा मैं भी जमानत पे हूँ। लालू प्रसाद बोले मेरी पहले जमानत तो करवाओ। इसके बीच में अखिलेश और मायावती भी साथ में है, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं चौकीदार के ऊपर। नहीं नहीं, वो अब देश अब भ्रमित नहीं होगा। सबको पता है ये चौकीदार डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है और समाजसेवी भी है, किसान भी है, मजदूर भी है, ठीक है, हास्य कलाकार भी है। सब कोई चौकीदार है, सब अपनी अपनी जगह, सबको चौकन्ना रहना है। और ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी अकेले चौकीदार है, हर एक को भागीदारी निभानी है। मुझे लगता है जो बॉर्डर पे हमारी सेना खड़ी है वो हमारी सबसे बड़ी चौकीदार है, देश की चौकसी कर रहे हैं वो लोग। आप कैसे देखते हैं 2014 के चुनावों से पहले इसी जगह पर चाय वाला का जिक्र किया था और उसके बाद में मणिशंकर अय्यर ने उस दौरान जिक्र किया था। इस बार भी कांग्रेस ने कहा चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने उसको भी एक कैंपेन बना दिया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी हमारे हर तरह से संपूर्ण व्यक्ति हैं, देश के लिए पूरी तरह समर्पित और इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इतने समर्पित व्यक्ति हैं कि ये लगता है सारे मौके कांग्रेस खुद ही दे देती है, है ना। उनके उनके नेता खुद ही सेल्फ गोल कर देते हैं और हम सबके काम आ जाती है वो चीज। तो जिस तरह से चाय वाला हिट हुआ था और चाय वाले के नाम पे पूरा देश जुड़ गया था, मैं भी चौकीदार हूँ के नाम पे पूरा देश जुड़ चुका है। और आप अपने अंदाज में, हालांकि आपने उसकी शुरुआत कर ही चुके हैं, कुछ सेकेंड्स और कुछ अपने अंदाज में। मोदी जी ने पाकिस्तान को ललकारा है और कहा है कि अब ये नहीं चलेगा कि बात करेंगे, देखेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, अब तो घुस के मारेंगे। ये बात सबके दिल को खूब भा गई। और वैसे मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप शायद पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अमीर देश है, बहुत रिच देश है, इतना अमीर है उसने भीख मांगने के लिए भी प्रधानमंत्री रखा है। अपने अंदाज में राजू श्रीवास्तव। और इस सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से, जैसा कि राजू श्रीवास्तव ने भी जिक्र किया कि 2014 में जिस तरीके से चाय वाले को लेकर के पूरा एक कैंपेन खड़ा कर दिया था, आपकी बार जो है इस बार जो शुरुआत की है वो चौकीदार को लेकर, जो विपक्ष ने हमला किया था खासतौर पर कांग्रेस ने, उसको लेकर भी एक कैंपेन खड़ा कर दिया और देश भर में लोगों से जुड़ने की कवायद शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन मान के साथ अंशु गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।